अपना पर्स निकाला, इसमें देखते हैं कितने पैसे पड़े हैं मेरे पास। ये मैंने पैसे निकाले हैं, जितने भी हैं इंशाल्लाह सारे उसको दूंगा ताकि वो मेरे लिए दुआ करे। अल्लाह मुझे कहीं और से दे देगा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट गोश्त लेने। कल यार वहाँ पर इतने ज़्यादा डॉग्स बैठे थे और इस हमारे एरिए में ना कोई गोश्त की दुकान नज़दीक नहीं है। बेचारे भूखे बैठे रहते हैं, रिज़क तो अल्लाह पाक देते हैं उनको, तो रिज़क का वादा अल्लाह पाक ने किया, पर मुझे खुद नज़र आते बेचारे भूखे होते हैं, तो मैं उनके लिए भी जाऊँगा कुछ गोश्त वोश लेकर उनको डालेंगे। ये ज़िंदगी अच्छी है, खाओ पियो याशी मारो सो जब। ये यार इन बेचारों के लिए भी लेने जा रहा हूँ। और हाँ सो जा बेटा सो जा, अभी हड्डियाँ बाहर आई हुई हैं यार, इनको ला के डालते हैं आज खाना। मैंने अभी सर पे ना तेल का ट्रक गिरा दिया। आज मैंने लगाया 6-7 किस्म के ऑयल, और आया था दुबई से ऑयल, डर्मा रोलर यूज़ किया, निशान नज़र आ गया रेड रेड, तो उसके बाद मैंने ऑयल लगाया हुआ है। और अल्लाह करे मेरे बाल आ जाए ज़बरदस्त करके, बाकी फिर आके घोड़े उड़ाएंगे, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में एक ही शौक है जी, काइट फ्लाइंग का, इसके अलावा शौक ही नहीं है। चिकन लेने के लिए, अपने लिए भी और अभी आपको दिखाएँ डॉग्स के लिए भी। G7 की सबसे प्यारी शॉप है चिकन की, ये फ्रेश चिकन इन्होंने अभी काट के रखा है, पर हम अभी नई मुर्गी से करवाते हैं। ये देखें ऑर्डर जाता है। मुर्गी सारी खत्म हो गई, सारी खत्म हो गई, थोड़ी थोड़ी रह गई। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, ये देखो इनके बिल्ले भी देखो, ये देखो खा खा के कटे ही गए। हम लेंगे जी ताज़ी मुर्गी, ताज़ी चिकन ज़बह करवाएंगे। तकबीर पढ़ते हुए भाई माशाल्लाह, कैसे हैं? 10 वाला है भाई, ऐसा कहते हैं किलो वाली मुर्गी कहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुत्तों के लिए गर्दने लूँ या हड्डियाँ, हड्डियाँ जो है बिल्कुल बेकार है, 100 रुपये की हड्डी में कुछ है ही नहीं, वो क्या खाएंगे। आधा किलो वो कर लेता हूँ और आधा किलो ये कर लेता हूँ, डालूंगा चलो स्वाद ही होगा मुझे। यार देखो मेरे ख्याल से भी इसका बजट बना होगा 200 रुपये का, तो तकरीबन आप लोगों से यही कहूँगा कि यार इनको डाल दिया करो, इनको नहीं पता कि चीज़ें लेने के लिए पैसे लगते हैं, तो अल्लाह पाक क्या पता इनके वसीले से आपको दे दे। बाकी चलते हैं अभी और डालते हैं, जहाँ जहाँ कुत्ते नजर इनको डाल दूंगा। मैं कहता मेरा टिकटॉक अकाउंट खुले, मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा। चलो लोगों को नहीं खिला सकता, कुत्तों को ही खिला दूंगा। तो अभी हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कुत्ते नहीं। गुड मॉर्निंग, हेलो, ये कुत्ते ही है जो कहते हैं हमारी वीडियो बना लो, डालने के बाद वीडियो बना लो। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अप्लीकेशन को डाल दिया करो, बेचारे सबसे भूखे हैं यार। घर के पास थी एक बिल्ली, खाओगी? मैं आया था नाया के घर, अभी नाया के लिए मैं लेकर आया था 3 मुर्गियाँ, जो रह गई हैं अब 2। उसके बाद मैं मुझे अपनी नज़र चेक कराने, यकीन करेंगे ब्लॉग भी इसीलिए 2-2, 3-3 दिन बाद अपलोड करूँ, मेरी आंखों से ना नज़र नहीं आता, ब्लर आता नज़र, आप लोगों के कमेंट भी नज़र नहीं आते मुझे, इसलिए मैं वो ना वीडियो थोड़े लेट लगा रहा हूँ, तो जाते नज़र चेकअप कराते। अभी हम चेकअप करेंगे अपनी नज़र, फिर यहाँ पे जिससे ग्लासेस बनवाएंगे, फिर कर देंगे नज़र नज़र के आने के। अब बंदी तो है नहीं, मैं जो कहूँ यार नज़र उदास है, नज़र ही आ जाओ लाइक 0.75 और राइट साइड की 1 है। अब अगर मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया ही बिग फैन, फेक बिग फैन, मुझे मैसेज रिप्लाई करो, कसम से मैंने नाराज़ हो जाना। इतने मैसेज तुम लोग करते हो, कसम से 6 व्हाट्सएप 6 इंस्टाग्राम 10 फेसबुक, आंखें दर्द करती हैं कसम से, मैं रिप्लाई कर करके थक जाता हूँ। प्यार से एक मैसेज किया करो, हैप्पी भाई गुड मॉर्निंग और गुड नाइट महीने में एक दफ़ा, बस ज़रूरी काम हो तो मैसेज करें, हैप्पी भाई मेरे छोटे भाई की बर्थडे, मेरे अबू की बर्थडे, मेरे चाचू की बर्थडे, ये काम नहीं करना। थैंक यू सो मच, अभी चलते हैं घर वापस, अभी यहाँ से बनवाएंगे इनसे क्लासेस, असली बनवाना चाहते हैं ना, यहाँ पर आ जाएँ, ये चौधरी मोहम्मद मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट पर आप आ जाएँ, ये एड्रेस है G8 में, ये इनका एड्रेस है। बड़ी सस्ती क्लासेस, कम से कम कितने की बन जाती क्लासेस यार? जो बाहर से 2500 की, यहाँ पे 1500 की बना के दे रहे हैं, डिस्काउंट करके अच्छी चीज़ बना के दे रहे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट चीज़ बना के दे रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर आए, फ्री नज़र चेकअप है यहाँ पे, सारा प्रोडक्ट है। मेरा रेफरेंस दे देना, जो मैंने पैसे इनको देने होंगे वो भी आपसे लेंगे। क्या रखिएगा, एक सेकंड भाई जान, सो मैं आ चुका अभी जूस पीने के लिए, और अभी ये ताज़ा जूस बनवाएंगे इनसे शक्री माल्टे का, और फिर जूस पीते हैं फिर निकलते हैं। ताज़ा जूस पीने लगा हूँ, सर्दियों में ना मैंने जूस नहीं पिया, टाइम ही नहीं मिला, तो अभी बनवाते हैं, पीते हैं फिर चलते हैं। भाई लिफ्ट मिले, हेलो काम करो छोटे, हेलो करो। तो हम जा रहे हैं अभी इनको ड्रॉप करेंगे वापसी, क्योंकि पैदल आ रहे थे भाई, तो हमने क्या भाई को साथ लेते हैं, तो अभी जाते हैं हम। मेरा एक पार्ट आ गया, मैं जाता हूं, ठीक है।
नहीं नहीं उम्मीद की वजह से तुम कितने जुड़े हो अस्पताल भी जुड़े हो भाई मैं अपारा मार्केट ही जाता हूँ ठीक है कश्मीर में बंदा है ठीक है पता लबना है नहीं लबना ठीक है और क्या जूतियाँ भी पाई शूज कोई नहीं सर कोई नहीं बस आदमी है आ लेने में तुसन पे जूते ने साइज किया तुसने 7-8 नंबर आने मैं तो देखो तुम जुड़ियो ना अच्छा बंदे को लिफ्ट दी थी और वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं हॉस्पिटल में आया हूँ कह रहा मैं किसी के पास जा रहा हूँ दूर वाले से कह के जम कश्मीर के कश्मीरी दे देते आपस में तो उसने अपना रेफरेंस डाला कश्मीर का हूँ तो मुझे उसने खाना दे दिया हॉस्पिटल के लिए उसकी बीवी बीमार है वो कह रहा है 2-3 हज़ार रुपये चाहिए अभी मैं सोचूँ उसको क्या दूँ शूज़ मेरे पास पड़े हैं मेरे पास एक जोड़ा शूज़ का बड़ा पैरा पड़ा हुआ है इम्पोर्टेड शूज़ पड़े हैं जैसे ये पड़ा हुआ है शूज़ का जराबे साफ सुथरे जराबे हैं और एक शूज़ों का जोड़ा और एक जैकेट उसका बच्चे के पास जूतियाँ पहनी हुई हैं यार अल्लाह के बंदे ने जूतियाँ मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कुछ भी होता है दे दो अभी मैंने ली थी लास्ट टाइम तो मैं किसी को दे दूँगा चलो स्वाबो ब्रांड न्यू है इंपोर्टेड जैकेट है अभी इसको दे दूँगा ताकि ठंड है तो मेरी कोई बात नहीं मैं नहीं ले लूँगा अभी हमने ये जैकेट निकाल दिया उसके लिए उसके शूज़ बेचारे के फटे हुए हैं ये देखो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने इंडोर के क्या बोलते हैं निडर्स ब्रांड से लिए थे ब्रांड न्यू पड़े थे मैंने बस चॉकलेट कलर में किया था तो ये मैं इनको ब्रांड न्यू इंपोर्टेड है वो लंडे के मैं खुद पहनूंगा ये इनको दूंगा अभी मैं पैक करके वो उनके बच्ची के लिए वो ले लिए और ये शूज़ भी ये भी ठीक है बहुत प्यारा शूज़ है ये बस यहाँ से ये ना ये रफ सा हो गया था बाहर से मैं नहीं पहन सकता था यूट्यूबर नूँ तो मसला होता है और ये साफ़ सुथरी है स्वेटर जैकेट कहीं से फटी नहीं है लोग ये ना कहेंगे हैप्पी भैया आप ये दे रहे हो वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप लोग हॉस्पिटल जा के दिया करें और ये मैंने अपना पर्स निकाला इसमें देखते हैं कितने पैसे पड़े हैं मेरे पास और वीडियो नहीं बनाऊंगा पैसे देने की उसको ये ना कह के वीडियो के लिए पैसे दे रहे हैं ये मैंने पैसे निकाले हैं जितने भी हैं इंशाल्लाह सारे उसको दूंगा ताकि वो मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मुझे कहीं और से दे देगा यार अल्लाह के खजाने में कौन सा कम है ये अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम दोगे ना और तुम देना स्टार्ट करोगे ना आना कहाँ से है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है और बस अल्लाह पाक मेरा दिया हुआ कबूल मंजूर हूँ मैं अभी इसको डालेंगे अभी हम उसको देंगे और बस फिर इंशाल्लाह और आ गई मेरे पास स्वेटर ये नया नया ये वालदा ने खोल दिया नया स्वेटर इसके बच्चे के लिए बच्चे के पास जूतियाँ पड़ी हुई हैं बच्चे ने जूतियाँ जराबा भी है जराबा ने जोड़ा निके बच्चे ने रहें तो निके साइज की बिल्कुल जीरो साइज की अभी ये छोटी बहन के मेरे कपड़े थे दो स्वेटर हैं छी छी और एक लैगी थी वो मैंने दे देता हूँ उसका बच्चा बहुत फौजी छोटा सा बच्चा शूज तक थोड़े निके ने साइज जूते नहीं पहने मैं तुम जूते जराबे पहनो लो लो इसको ये पहनो थैंक उसको स्वेटर मिकी लुआ गया निके बच्चे ने जूते कोई नहीं साढ़े को दसा वो तुम्हें तो ही दे बाहर साढ़े का कोई निका बच्चा कोई नहीं है ये देखे निके जूते जो यहाँ से फटे हुए ये यहाँ से फटे हैं सोचो यार ये आपके पाँव में जूते ये देखो इतने फटे जूते होते हैं इंसान पहनता है अस अल्लाह की मन है साढ़ा पीर सी पल्ला साढ़ा पीर अल्लाह पाक दे नबी पाक थोड़ी दीदियाँ सेहत देवे ਮੇ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਜੀ ਬਸ ਅਭੀ ਸ਼ਾਬਰੇ ਬਾਈ ਬਾਬੂ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਜੈਕਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਨੇ ਪਿਆ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡੀ ਬਹਿਨ ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਕਰੀ ਛੜੋ ਬੂ ਮਨ ਕਰੀ ਛੜੋ ਐ ਨਿਕਾ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਡੱਡੂ अल्लाह ने लिखा हुआ था यार हॉस्पिटल देखो खुशी है ना ये खुशी जो ना ये करोड़ों रुपये लगाने से नहीं मिलती और उसको मैंने नई जैकेट और नए शूज़ जो हो सकता था अल्लाह पाक ने मुझे दिया था तो मेरे बेचारे के शूज़ देखें इतने फटा हुआ कश्मीर में ऐसे शूज़ नहीं चलते और बेचारा कश्मीर का एरिया था भाग वहाँ से था खैर अभी हम उड़ाएंगे गुड़ा बड़ी खुशी महसूस हो रही कसम से उसके बाद मैंने उड़ा लिया छत पे गुड़ा बहुत प्यारे गुड्डे हैं मेरे पास एक हाथ से ये मैंने ब्लू कलर की केमिकल खोली हुई है और पीछे लगाएंगे जो मुझे खुशी महसूस हो रही है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकता और अल्लाह पाक मेरा दिया हुआ कबूल मंजूर फरमाए वीडियो बनाने का मकसद यह है कि यार आप लोग भी ऐसे हेल्प कर दिए करो सफ़ेद पोश लोगों की ये लिफ्ट मांग रहा था किसी सुजुकी वाले से तो फिर मैंने देखा बच्चे के साथ लिफ्ट मांग रहा है तो फिर मैंने रोका और यकीन करेंगे बहुत खुशी हो रही है
वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद मेरा ये है कि यार आप लोग भी किसी तरह हेल्प कर दिए। हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि आप लोग नहीं सोच सकते कितना लोग मजबूर होते हैं। उस बेचारे के हाथ में खाना था, वो भी कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल के साथ इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के साथ होटल है, वहाँ पे लोग अक्सर लोग ना नान तंदूर वाले होते हैं ना, वो कश्मीर के होते हैं। कहते हैं हमने को क्या, तो उन्होंने रोटियाँ दे दी गिफ्ट, कहते हैं खाना मेरी तरफ से ले जो पैसे नहीं हमारे पास। तो खाना भी बड़ी बड़ी बात होती है, 250 रुपये का 300 रुपये का खाना होता है। दाल चावल ली थी इसको, किसी ने दे दी। तो यार आप लोग भी इसी तरह किसी की हेल्प कर दी करें। और आज का दिन मेरा बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और घर वालों ने भी कपड़े दिए थे, वो उसके बच्चों को दे दिए, जैकेट शर्ट वगैरह, जूते नहीं थे, बड़ा अफसोस हो रहा है। काश छोटे बच्चे के जूते होते तो मैं उसको दे देता। इसी तरह मेरा दिल है कि लंडे लुंडे से नॉर्मल ना शर्ट शूट ले लिया करे, वो किसी को गाड़ी में रख लिया करे, कोई बंदा नज़र आया उसको दे दिया करे। वैसे अभी तो मौसम चेंज हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह यही करूँगा कि 5-10-15 हज़ार रुपये की शॉपिंग करके गाड़ी में रख दूँगा, जिसे गरीब को देने के काम आ जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मेरा गुड़ा गुड़ा उड़ गया, अभी पेचा लगाइए। याल्ला जी मेरा गुड़ा ना कटे, याल्ला मेरा गुड़ा ना कटे, अभी पेचा लगेगा। याल्ला मेरा गुड़ा ना कटे, याल्ला 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 गुड़ा ना कटे, मेरा पेचा लग गया मेरा, बहुत अच्छा जा रहा है। ओए होए नीचे दरख्त में डोर फंसने लगी है, मेरा गुड़ा कट ना जाए क्योंकि वो टेप भी नहीं चढ़ाई हुई है। मेरा गुड़ा कट गया और मेरे पूरे छत पे डोर ही डोर पड़ी हुई है। और अभी मैं उड़ाऊँगा मच्छर, ये मच्छर उड़ाएंगे साफ़ सुथरी से, कन्या डालेंगे, है बहुत प्यारी मच्छर, अभी उड़ाते हैं। अच्छा देखते हैं बच्चे सहने हैं कि नहीं आजकल के बच्चे। नया नया कली में लेके आओ पीनट्स, बाकी रख दिए सारी खा रही है। अच्छा अभी मैं इसको दूंगा पीनट्स की जगह मैं इसको दूंगा थूम छिलके। ओए नया के साथ प्रैंक हो गया, नया के साथ प्रैंक हो गया, दिखा ले ये थूम डाला इसके मुंह में, क्यों बोले थूम डाले ओके ये लो खाओ ये लो खाओ। गाय तुम देखते हैं खाती है कि नहीं खाती। गाय इसको तुम डाला हमने, बड़ी सियाणी है कुकड़ी। <की बड़े? laughs> जलो मैं दे मामू दे रहे ना, खाओ ना, मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ मोबाइल नहीं देना, पकड़ो। ऐसे नाया के घर भी खाना खाते हुए पानी गिरा दिया एक बांदरी ने। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, पीछे बैठ 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 तो बैठ। और कभी इधर बीच में चमचे मार रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है, ये जी बना पानी पी रहा, पानी में उंगली डाल दी, रोटी डाल दी है, एक को खाना खाने टाइम बिजली आ गई गंदी। सबसे अजाब है ये चूचे से नजर आ रहे ना आपको, ये चूचे से ये अजाब है, ये बलाएं सी। मम्मू दे माँ दे हैं मम्मू दे, हाँ जी दे, बाय 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 करो, बाय बाय कैसी, बाय बाय करो, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय पप्पी करो, ऐसे करो पपी करो, पपी करो, पपी करो, शाबाश, एक और पपी करो। खाने के स्वाद है ना बांदरी। बाय बाय करो, बाय बाय बाय।